हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ सम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और चैप्टर है आपका, देख सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। तो अनुक्रम तथा श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं, एक बार डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सीक्वेंस आप देख सकते हैं कि जैसे A1, A2, A3 कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है, कोई नंबर्स आते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। और सीरीज क्या होती है भाई, उन्हीं नंबर्स को अगर हम ऐड करते जाते हैं, उनको सीक्वेंस को अगर ऐड करते हैं तो वो सीरीज हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास यानी कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और वो देखेंगे कि भी क्या क्या चीजें होती हैं। इसीलिए यहाँ पे काफी सारी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लिखे गए हैं। तो आई होप ये सब आपने नोट किया होगा, आपको पता है। जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं इसका, ताकि जो हम क्वेश्चन करेंगे अब वो आप अच्छे से कर पाए, क्योंकि देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही इन क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, और जो पिछली क्लास में कक्षा 10 में आपने क्वेश्चंस किए थे उतने आसान क्वेश्चन तो नहीं होंगे आपके इस क्लास में, ये तो ऑब्वियस है। उससे थोड़े है अच्छे लेवल के, थोड़े है अलग लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास में। तो लेकिन जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही होने वाला है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे को नोट डाउन कर लीजिए आप। जब नोट डाउन करेंगे उसके बाद एक एक चीज करके हम यहाँ पे समझेंगे, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो नोट डाउन कीजिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्या चीज आपको समझनी है वो देखते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये चीज सबसे पहले समझेंगे आप। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे 5, 8, 11, 14, 17, ठीक है। तो ये नंबर्स आप देख रहे हैं, इसमें क्या खास बात है वो देखेंगे। तो देखिए 5 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 5 कितना है 3, 11 माइनस 8 है 3, 14 माइनस 11 3, 17 माइनस 14 3। तो सब में जो डिफरेंस है वो 3 का आ रहा है, अंतर 3 का आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी यहाँ पे ये बन रहा है, ये सीरीज बन रही है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। कैसे पता लगा कि भाई जो दो अंकों के बीच में, ठीक है, दो लगातार जो नंबर है उनके बीच में डिफरेंस सेम है, सब में सेम है, सब में 3 है, इसीलिए एक डिफरेंस इनका कॉमन आ जाता है। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस सार्वांतर। क्या सार्वांतर, यानी कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा देखिए, अब इसमें टर्म्स होती हैं, पद होते हैं, टर्म्स यानी पद जिसको बोलते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर आता हो उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, उसको हम ए या ए वन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म होगी, प्रथम पद हो गया, उसको ए या ए वन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ये। उसके बाद जो सेकंड टर्म होगी, दूसरा पद जो हो गया, उसको ए टू से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ए प्लस डी।
तो जो दूसरी टर्म है उसको हम ए प्लस डी या फिर ए टू। ए प्लस डी क्या हो गया? ए प्लस डी हो गया स्टूडेंट्स, देखिए जो पहली टर्म है उसमें हमने डी ऐड कर दिया, जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर देते हैं हम पहली टर्म में। ऐसे ही जो दूसरी टर्म है उसमें एक और डी, एक और कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं, तो तीसरी टर्म बन जाएगी। उसके बाद तीसरी टर्म में डी ऐड कर दिया तो चौथी टर्म बन जाएगी, चौथी टर्म में डी ऐड कर दिया तो पांचवी टर्म बन जाएगी। इसी तरह एक एक डी हम टर्म्स में ऐड करते जाते हैं और नेक्स्ट टर्म मिलती जाती है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं। अब एन क्या हो गई? एनथ टर्म, एनवा पद, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए एन या टी एन से। ठीक है, ए एन मतलब एनथ टर्म, एनवा पद। लास्ट टर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं अंतिम पद। फिर होता है एस एन, एस एन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सम ऑफ टर्म्स, मतलब एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स या फिर एन पदों का योग, यानी एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे एन एन, ये क्या है एन? एन है टोटल टर्म्स, कुल पद कितने हैं वो हमने एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चाहे टोटल टर्म्स 50 हो, 70 हो, 100 हो, 500 हो, कितनी हो, भाई एन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब निकाल लो कितनी है टोटल टर्म्स। तो यहाँ पे ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके काम आने वाली हैं, इनको अच्छे से देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, नोट डाउन कीजिए, कहीं किसी को कोई डाउट लगता है आप पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए आके यहाँ पे आपके लिए कुछ फॉर्मूला है। क्या जो डी है, डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद माइनस कर देंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, वो किसके बराबर होगा? थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, और ये बराबर होगा फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, और ऐसे ही आप चलते जाएंगे। nth टर्म क्या हो गई? nth टर्म यानी nवा पद, an से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हैं? a प्लस एन माइनस वन इन टू डी। जो l टर्म है वो भी यही होती है। अब एक आती है स्टूडेंट्स sn, सम ऑफ n टर्म्स, तो इसको कैसे लिखेंगे? n बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है एन टर्म का सम। अब यहां से एक चीज हमें पता लगती है कि भाई एस एन जो है वो एन बाय टू, अब टू ए को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई टू ए को मैंने अलग अलग करके लिख दिया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये l के बराबर है कि नहीं है? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल। तो एस एन का ये फॉर्मूला भी होता है, नोट डाउन कर लीजिए।
तो सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब देखिए जो हमने यहाँ पे फॉर्मूले किए हैं, कुछ टर्म्स किए हैं, वही यूज करते हुए अब एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आपको पता लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, इन एन एपी इफ एमएथ टर्म इज एन एंड द एनएथ टर्म इज एन, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि भाई जो एमएथ टर्म यानी ए एम क्या होगा, एन होगा, है ना, एंड एनएथ टर्म क्या होगा, मतलब ए एन क्या होगा, एम के बराबर, ऐसा कुछ बोला गया जहां पे m और n इक्वल नहीं है। तो फाइंड द pth टर्म, ठीक है, ये आपको फाइंड करना। क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन कीजिए और एक बार खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। तो स्टूडेंट्स आंसर आ गया होगा आपका, pth टर्म निकालनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं, हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी, ठीक है। तो पहली जो टर्म है उसको ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। तो अब मुझे बताइए जो nth टर्म है, nth टर्म क्या होगी, ए एन से डिनोट करेंगे क्या हो जाती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, यही होती है nth टर्म। आपको यहाँ पे nth टर्म क्या दी है, देखिए इफ एन ए पी इन एन ए पी इफ mth टर्म इज n, तो यहाँ पे mth टर्म यानी ए एम इसके बराबर n के बराबर है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन की जगह m लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे n की जगह m आ गया है तो बस वही लिखेंगे, m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, a प्लस एम डी
माइनस डी इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन हो गई, पहला समीकरण हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए। फिर ऐसे ही ए एम इज इक्वल टू एन, ए एन इज इक्वल टू एम रख के हम सॉल्व करेंगे और सेकंड इक्वेशन हमारा आ जाएगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये सबने नोट डाउन कर लिया। आगे देखिए, अब भाई nth टर्म क्या थी, ये भी तो दिया था a n इज इक्वल टू m, दिया था कि नहीं, a m इज इक्वल टू n दिया था यहाँ पे, a m इज इक्वल टू n, तो ये भी तो बोला गया था कि nth टर्म इज इक्वल टू m, तो मैंने वही लिखा है nth टर्म इज इक्वल टू m। और a n क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन, ये हो गया a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू एम, ये हो गया इक्वेशन टू। अब क्या करना है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, भाई इक्वेशन वन से इक्वेशन टू माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, इक्वेशन वन क्या है, ए प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू एन, ए प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू एन, ए प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू एन, ये है। माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, क्या बच जाएगा भाई, एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू एन माइनस एन। ठीक है, यहां से डी निकाल लीजिए कॉमन, क्या आ गया, एम माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस एन। ठीक है, m माइनस एन को राइट हैंड साइड लेके चले जाइए, यहाँ पे t बच गया तो n माइनस एम बाय m माइनस एन। अब जो n माइनस एम है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन निकाल लूंगा, ये m माइनस एन बन गया, ये भी m माइनस एन है, ये कट जाएंगे आपस में, क्या आ जाएगा d, d आ जाएगा माइनस वन, सर्वांतर हमारे पास आ गया है माइनस वन, यहां तक नोट डाउन करो। तो देखिए डी आ गए हमारे पास, अब हमारे पास जो इक्वेशन वन है उसमें डी की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन, एक इक्वेशन में d
डी की वैल्यू रख दीजिए। इक्वेशन वन क्या था? इक्वेशन वन ए प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू एन, ए प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू एन, यही था। डी की वैल्यू क्या है? ए प्लस एम, माइनस वन है डी की वैल्यू, है कि नहीं? तो माइनस वन मैंने रख दी है यहाँ पे, क्या आ जाएगा? ए प्लस ए माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा एन प्लस एम माइनस एन प्लस एम माइनस वन। तो ए आपका क्या आ गया? ए आ गया एन प्लस एम माइनस वन, और डी कितना है? माइनस वन है। तो हम यहां से अगर एपी निकालते हैं, एपी जैसे एनएच टर्म हो गई, अब पीएच टर्म निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, एन की जगह तो पी आ गया, पी माइनस वन इंटू डी है। अब वैल्यूज रखेंगे स्टूडेंट्स, क्या क्या? ए की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, है ना। ए पी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है? एन प्लस एम माइनस वन, और पी माइनस वन डी माइनस वन है। इसको सॉल्व करेंगे एन प्लस एम माइनस वन, ठीक है। ये हो गया माइनस वन इंटू पी, एंड ये हो गया प्लस वन, ठीक है। माइनस वन से प्लस वन कट गया, एपी कितना आ गया? एन प्लस एम माइनस पी। ये क्या हो गई? ये आपकी पीएच टर्म हो गई, ठीक है। पीएच टर्म निकालनी थी, वो ये आ गई है हमारी। बस हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने फर्स्ट टर्म निकाली है और D निकाला है, जिसकी मदद से हमने pH टर्म निकाल ली है। ये ध्यान रखना है, पूछा क्या है, बस उसी डायरेक्शन में आपको सॉल्व करते चले जाना है। तो ये जो क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स आज, अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे आप घर पे जाके, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिल सके। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।